नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच सियासी खींचतान जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक पहली लिस्ट में 66 प्रत्याशियों पर औपचारिक मोहर लगा चुकी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जाहिर है बागियों के खुद को जिताऊ साबित करने के भी 3 दिन ही बचे हैं। टिकट कटने या नाम ना पर मोहर ना लगने के बाद कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की रेस में दूसरी तरफ भाग रहे हैं। इनमें से एक नाम है उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह का। चुन्ना सिंह ने मंगलवार देर शाम जेएमएम की सदस्यता ले ली। हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करने के साथ चुन्ना सिंह ने 60 विधानसभा सीट पर दावा मजबूत कर लिया है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली लिस्ट में 60 की सीट से उन्हें टिकट भी दे दिया गया है। दुमका लोकसभा के अंतर्गत 60 विधानसभा सीट आती है। पिछड़ी जाति बहुल इस सीट से उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह 1985 से लगातार 3 चुनाव जीते हैं। हालांकि उसके बाद से सियासी जमीन खो चुके हैं। चुन्ना सिंह जेएमएम को जीत की गारंटी देने के मकसद से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। 1985 में इसी सीट से निर्दलीय लड़े और जीत हासिल की। 1990 और 95 के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2000 की बात अगर की जाए तो 2000 के चुनाव में चुन्ना सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा पर हार गए। 2005 विधानसभा चुनाव में आरजेडी से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2009 में कांग्रेस से फिर चुनावी मैदान में चुन्ना सिंह उतरते हुए नजर आए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2014 के रण में बीजेपी से चुन्ना सिंह के सामने रणधीर सिंह ने जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में चुन्ना सिंह को रणधीर सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रचंड जीत के बाद रणधीर सिंह जेवीएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और रघुवर दास की सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए। 2019 का चुनावी रणधीर सिंह ने बीजेपी से चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुन्ना सिंह जेवीएम की टिकट पर लड़े थे, लेकिन चुन्ना सिंह की तब भी हार हुई। 2024 में एक बार फिर रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह आमने सामने हो सकते हैं। बीजेपी में रणधीर सिंह पर विश्वास जताया गया है, जबकि जेवीएम में जेएमएम से शामिल हुए चुन्ना सिंह पिछली 2 हार का बदला लेने के लिए मकसद से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा क्या चुन्ना सिंह एक बार फिर से झारखंड के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।